छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 18 सीटों पर आज मतदान होना है और कहां कहां पर होगा ये मतदान, क्या इंतजाम है, सुरक्षा के सब कुछ आपको दिखाते हैं, आइए। पांच राज्यों में चुनावी मतदान की शुरुआत आज छत्तीसगढ़ से हो गई है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 18 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है, जिनमें नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के 7 जिले कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और दुर्ग संभाग में मतदान हो रहा है। पहले चरण में राजनांदगांव विधानसभा में भी मतदान है, जहां से खुद सीएम रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। मोहल्ला मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, केसकाल, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। वहीं खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हो रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जगदलपुर का जायजा लिया हमारे संवाददाता रणवीर सिंह ने। विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। मैं मौजूद हूं बस्तर ज़िले के जिला मुख्यालय जगदलपुर में और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहां पर जिस तरह से लोग इकट्ठे हैं, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। आज जिन 18 सीटों पर मतदान होना है उनमें 12 सीटें बस्तर संभाग के 7 ज़िलों में आती हैं और ये पूरा इलाका नक्सल प्रभावित है और यही वजह है कि सरकार ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। आप देख सकते हैं कि मैं मौजूद हूँ शासकीय प्राथमिक शाला रविन्द्रनाथ टैगोर में और यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो मतदान है वो आयोजित कराया जा रहा है। मैं आपको अंदर अगर दिखाऊं तो इस बार जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो रहा है वो सभी ईवीएम पे हो रहा है और साथ ही वीवीपैट की व्यवस्था की गई है। चुनाव अधिकारी यहां बैठे हुए हैं और साथ ही जो वीवीपैट मशीन्स हैं वो भी लगाई गई हैं ताकि लोग अब ये आश्वस्त हो सके कि पूरा जो व्यवस्था है वो पूरी व्यवस्था ठीक है। इन सब के बीच नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में भी वोटिंग हो रही है। संवाददाता ज्ञानेंद्र बता रहे पूरी अपडेट। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 18 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। सुबह के 7 बज गए हैं और इस वक्त हम दंतेवाड़ा में हैं और दंतेवाड़ा में देखिए लोग वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हो चुके हैं और बस्तर का जो ये इलाका है वो संवेदनशील इलाकों में माना जाता है, लेकिन यहाँ सुरक्षा बल करीब 18,000 की संख्या में तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह से अनहोनी न हो। हर जगह चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, लेकिन आज सुबह सुबह एक आईडी ब्लास्ट हुआ है। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं है और ये देखिए सुबह से ही लोग लाइन में खड़े हुए हैं। जिले के कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इस ज़िले में वोटिंग की क्या व्यवस्था की गई है। सर, ये इलाका जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, किस तरह की तैयारी है और आप खुद सुबह सुबह मतदान करने आ गए हैं? क्षेत्र में तैयारी काफ़ी अच्छी है। कल रात तक ही सारी की सारी टीम अपने अपने क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। आज सुबह सभी जगह मॉक पोल चल रहा है और मतदान चालू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में अपनी शानदार जीत के दावे करने वाले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग गया है। छत्तीसगढ़ में मतदान से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के घनाराम साहू ने प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। टिकट न मिलने से नाराज घनाराम ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को पत्र लिखकर इस्तीफा सौंपा। चुनाव से पहले ही अजीत जोगी और बीएसपी के गठबंधन ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। वहीं मतदान से पहले ही आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा है कि निराश बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करने का फैसला कर लिया है। उच्च अधिकारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर बस्तर में बूथ की जानकारियां लीक कर रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।